आजकल अंतर जातीय विवाह बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ठीक नहीं है, साइंटिफिकली तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वैज्ञानिक तौर पे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर आप समझ सको तो समझ लेना। आजकल प्लांट ब्रीडिंग होती है, जैसे गुलाब का पौधा है, लाल गुलाब है उसमें, और एक गुलाब का पौधा जिसमें सफेद गुलाब है। गुलाब दोनों हैं लेकिन प्रकृति दोनों की डिफरेंट है। उस लाल गुलाब की कलम काटकर एक कलम सफेद गुलाब की अगर उसमें लगा दी जाएगी तो एक नया गुलाब बनेगा, लेकिन वो न लाल होगा न वो श्वेत होगा, वो सफेद और लाल होगा। न उसमें सफेद के पूरे गुण होंगे न लाल के पूरे गुण होंगे, उसमें अधूरे गुण होंगे। ये पहला स्टेप है। और अगर इस जो सफेद और लाल बना है फिर इसकी ब्रीडिंग किसी से करा दी जाए, फिर इसकी ब्रीडिंग किसी से करा दी जाए, चौथी ब्रीडिंग होने होने तक इसके अंदर के गुणसूत्र पूरे समाप्त हो जाते हैं और यह पौधा सबसे कमजोर पौधा हो जाता है। यह सिर्फ दिखने का फूल है, इसके अंदर कोई गुणधर्म नहीं होते। यह मैं नहीं कह रहा, यह विज्ञान कह रहा है। तो प्राचीन समय से जो जेनेटिक्स हमारे आए हैं, लोग कहते हैं जाति, जाति कोई बुरी बात नहीं है, जाति इज ए सिस्टम। आप जिस परंपरा से आते हैं आप में प्राचीन समय से वो गुण विद्यमान हैं, तो आप उस चीज के मास्टर हैं। लेकिन अगर उन गुणों के साथ वैसे ही गुण का व्यक्ति, वैसे ही स्थिति का व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ता है तो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स के साथ, विचारों के साथ आएगी। और अगर 3 से 4 जनरेशन ऐसा हो गया तो जो मूल था, जो आदि अनादि काल से हमारे लोगों ने बचा के रखा था, वो समाप्त हो जाएगा। और वो हो रहा है। जो मूल गुण है, हर चीज का अपना एक प्राकृतिक गुण है, चाहे वो वर्ण व्यवस्था की बात करें, जाति व्यवस्था, हर चीज का एक गुण होता है। एक पिता अगर एक संगीतकार है और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी संगीत दे रहा है तो ऑटोमेटिकली जो 3rd जनरेशन है वो गुनगुनाती हुई आएगी, उसे कहने की जरूरत नहीं है। भले ही वो गुनगुनाए नहीं बट वो मास्टर होगी अपने आप में, बिकॉज जेनेटिक्स आए हैं, पीछे से होकर आया है। और अगर उसने उसको हटाया तो जो इतनी तपस्या थी 3-4 पीढ़ी की तो वो खत्म। इसलिए चाहे विवाह आदि इत्यादि है, ये अपने इसको जात कर्म क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है आपकी पुरानी जो जेनेटिक्स है वो सहेजे रहे, वो बचे रहे, जिससे आप समाज को कुछ श्रेष्ठ दे पाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे ही समझ लो 5 मिनट के लिए कि आप राजस्थान में रहते हैं और आपने बहू ली मद्रास की, भले ही आपकी जाति एक हो, भले ही आपकी जाति एक हो, कुल एक हो, सारी चीजें एक जैसी हो, लेकिन ध्यान रखना चीजें कभी मैच नहीं करेंगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आप जिस क्षेत्र में, जिस माटी में, जिस वायुमंडल में, अर्थात जिस व्यवस्था में रहते हैं, उसी अनुसार आपको खेती, भोजन, विवाह आदि इत्यादि उसी क्षेत्र से ही करने होने चाहिए। क्योंकि उस बेटी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आज की पूजा में क्या करना है, वो घर से सीख कर आई है। तुम्हें, तुम्हारी और कस्टम एक है, कस्टम अलग अलग नहीं है। उसको पूरा बताना पड़ेगा, फिर वो कहेगी जी मैं ये नहीं समझूंगी, मैं तो अपना करूंगी, वो तो होगा ही होगा। तो आप जो समाज को दे सकते थे अब आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो सारा मिसमैच हो रहा है।
पहले विवाह इसलिए नहीं होता था कि विवाह करना है, विवाह के पीछे का दर्शन ये था कि समाज को, देश को, राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को श्रेष्ठ संतान देनी है, इसलिए श्रेष्ठ लड़की और श्रेष्ठ लड़के को चुना जाता था। जो बड़े विचार होते थे वो ऐसे नहीं होते थे, उसके पीछे पूरा दर्शन है, और यह समझना सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो माता सीता तभी कह रही है, मन जाने राचे मिले सो बरुसे, आप देख लो मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। और प्रकृति ने जो श्रेष्ठ बना रखा है उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हम सब समझें, ये सब जाने तो जीवन का आनंद है।